अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मिस्री शाह के इलाके में फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका और सिलेंडर धमाके से 3 मजदूर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मिस्री शाह के इलाका में वाकया फैक्ट्री में जो है वो सिलेंडर धमाका की आवाज में दी है, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि 2 से 3 अफराद जो थे इस सिलेंडर धमाके के नतीजे में जो मजदूर थे वो जख्मी हुए और उन्हें रेस्क्यू के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके की शिद्दत जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि वहां पर वाकया जो घर थे उस करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इलाके में है वो खोखो और आग भी फैल गया। बड़ी तादाद में जो लोग थे वो इस वक्त इस फैक्ट्री के बाहर इकट्ठे हुए हैं। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और वाकये की तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये जो सिलेंडर धमाका था ये कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, क्योंकि जो फैक्ट्री के दरवाजे थे वो मालकान की जानिब से बंद कर दिए गए। लेकिन अब जो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री को खुलवाया है और अंदर के जो जैवकू है उसका जायजा ले रही है। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद है और आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जख्मियों को मुंतकिल भी कर दिया गया है। लेकिन अब तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये सिलेंडर धमाका किस वजह से हुआ और इसकी क्या वजूहत थी। जी, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।